फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने नोटिफिकेशन बार में जहां से आप अपने इंटरनेट को ऑन ऑफ करते हैं वहां पर आप कलर कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने रेड कलर लगाया हुआ है। जैसे ही हम नोटिफिकेशन नीचे की ओर खींचते हैं तो यहां पर मेरा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल रेड दिखाई दे रहा है। यहां पर आप कोई भी कलर को लगा सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, वाइट, कुछ भी लगा सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कलर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगाना चाहें तो भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, जो देखने में दोस्तों ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आपका फ़ोन पहले से दिखने लगेगा। तो ये सब कैसे लगाना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे मैं निवेश करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच। इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहां से करना होगा लाइक और यहां से दोस्तों आप शेयर कर दीजिएगा। और आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के बगल में घंटी की बटन है, इस घंटी के बटन को आप दबा दीजिएगा और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर में दोस्तों आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको एक कमेंट करना है, जैसे कि दोस्तों नाइस, ऑसम या आप अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। और मैं आपके कॉमेंट को दोस्तों यहाँ से दोस्तों लाइक करता हूँ और यहाँ से दोस्तों हट देता हूँ। तो दोस्तों, अपने फ़ोन में ये सारे सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, जिस एप्लीकेशन का नाम मैं वीडियो में ही बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप यह देख लीजिए कि आप जब भी अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन को इस तरीके से खींचते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल वाइट दिखता है और पहले जैसा ही दिखता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं, अपने फ़ोटो को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है, तो उस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको इंस्टॉल कर सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। जैसे दोस्तों एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक बटन है तो इस बटन को आपको करना होगा ऑन। जैसे दोस्तों इस बटन को आप ऑन करते हैं तो ये जो बटन है आपको सेटिंग की ओर ले जाएगा। यहाँ पर सेटिंग में सबसे नीचे की ओर देखिएगा तो यहाँ पर एक बटन है ऑन सेट नाम से, यहाँ पर ऑफ पड़ा हुआ है तो आपको यहाँ से सिंपली ऑन कर देना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको बटन को आपको यहाँ से परमिशन दे देना है, यानी ऑन कर देना है। जैसे ऑन करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है, ये देखिए दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लेआउट का और यहाँ पर कलर्स का। तो आपको कलर्स के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों कलर्स के ऊपर में क्लिक कर देते हैं वैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल देगा आपको देखने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल रहा है तो बैकग्राउंड कलर के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है, यानी कोई भी कलर आपको चाहिए तो यहाँ से आपको कलर को सिलेक्ट करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अब ग्रीन कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन है तो यहाँ से सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। अब मैं नोटिफिकेशन को अपना नीचे की ओर खींचता हूँ, ये देखिए मेरा जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। यदि दोस्तों आप नोटिफिकेशन बैकग्राउंड कलर को अभी और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको कोई कलर को सिलेक्ट करना है और करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए आपका जो है ब्लू कलर का यहाँ पे लाइन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप अगर टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लिखावट को चेंज कर दें तो टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। मैं अपने टेक्स्ट कलर को येलो करना चाहता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने अपने टेक्स्ट कलर को येलो करना चाहता हूँ तो येलो पे क्लिक करके अप्लाई के ऊपर में हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए दोस्तों मेरा जो लिखावट था बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पे जो लिखावट था बिल्कुल येलो हो गया। आप अपने मर्जी से कोई भी कलर बना सकते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ से कोई भी कलर अपने बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से इमेज सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से आप अपना इमेज भी यहाँ पर लगा सकते हैं इस बैकग्राउंड में। तो इसी तरीके से आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो लगाने का आपको कुछ चार्ज लगता है, जब तक आप चार्ज नहीं देंगे तब तक आपका जो फ़ोटो है नहीं लग पाएगा। इसीलिए दोस्तों यदि आपको फ्री में लगाना है तो बैकग्राउंड कलर ही लगेगा, यदि फोटो लगाना चाहते हैं तो कुछ यहां पर आपको चार्ज मांगेगा, जब आप चार्ज देंगे तो ही आप फोटो को लगा सकते हैं। तो हो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब मैं आपको उस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन है जिसका नाम है वन शेड। यह एप्लीकेशन बहुत ही
आसानी से प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से हमें सारा काम करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।